अंबड रस्त्यावर लालवाडी पाटी जवळ असलेल्या रहमती पीर यांच्या तिसऱ्या उरुसासाठी राज्यभरातून भाविकांनी हजेरी लावली आहे. सोमवारपासून सुरू झालेल्या ह्या 3 दिवसीय उरुसाचा आज समारोप आहे. दर्ग्यावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली असल्यामुळे जालना अंबड रस्त्यावरून जाणाऱ्या प्रवाशांनाही विद्युत रोषणाई एक सुखद अनुभव देऊन जाते. या उरुसाला सुरुवात होण्यापूर्वी सोमवारी जालना शहरातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली होती. वहां से पूरे सिटी में जालना सिटी का सब में बड़ा जुलूस निकलता है, तो पूरे सिटी में गश्त करता हुआ जो है शाम में यहाँ पे मगरिब तक होता है. यहाँ पे शाम की जो हमको मगरिब का प्रेयर टाइम होता है वहां पे पहुंचता है. प्रेयर के बाद हम लोग यहाँ पे वो जो संदल जो लास्ट नाइट को हमने जो मिक्स किया था जो घसा था उसको यहाँ पे पेश करते हैं, तो यहाँ से हमारी सेरेमनी स्टार्ट होती है. अब इसकी खुशी में हम लोग रात में महफिल समा होगी, जो सूफियों का एक खुशी मनाने का एक तरीका है, महफिल समा है जिसको रूहानी गिजा भी कहते हैं. ये अभी शाम में एक भव्य समारोह होगा यहाँ पे महफिल समा के नाम से. इसी तरह कल भी होगा, कल हमारी मस्जिद की ओपनिंग है यहाँ पे. यहाँ पे हमारे बाबा जी के रिलीजियस थे, बहुत धार्मिक थे, तो उनकी ये चाहत थी कि मेरे जाने के बाद एक मस्जिद जरूर बना ताकि लोग वहाँ पे आ सके और जो है खुदा की इबादत कर सके. और यहाँ पे बेसिकली तसव्वुफ का काम ज्यादा होता है, सूफिज्म. हम लोग भी बिलोंग टू सूफिज्म. लोगों से हमारा मोहब्बत का पैगाम देना है, मोहब्बत का पैगाम देना, सबको मिलजुल के भाईचारे के साथ लेके चलना. ये सूफिज्म का मरकज भी है जालना का. यहाँ से सूफिज्म की तालीमात होती है, लोगों के साथ अच्छा रहना, मुल्क अमन अमान के लिए जितनी कोशिश हो सके वो करना. या कार्यक्रमाला रब्बानी पीर साहब, सज्जादा नसीन रहमती पीर यासह मोईन अजमेरी साहब, शहजादा रंगीले पीर मुंबई, सुहेल खंडवानी साहब, ट्रस्टी मगदूम साहब, चॅरिटेबल ट्रस्ट मुंबई यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी हजेरी लावली होती. रब्बानी फाउंडेशन के जो जिम्मेदार रब्बानी पीर साहब जो है वो महबूब इलाही में आस्थाने के हाजिरबाश है. उनका इसरार था कि उनके जो वालिद मोहतरम का जो यहाँ पे पीर का उर्स जो होता है उसमें हम लोग शिरकत करें. और यहाँ पे आके मैंने जो गरीब नवाज की जो एक रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है उसकी किरण की जो जगमगाहट है वो मैंने यहाँ पे देखी और उसको महसूस करी. और अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि ये सिलसिले का काम जो ये कर रहे हैं और खिदमत खल्क जो कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको दोनों जहान में कबूल फरमाए और इनके सिलसिले के काम को जब तक चांद और सितारों में रोशनी है उसको कायम दायम फरमाए. और इस दुआ के साथ, इस नस्बत के साथ जो जो औलिया इकराम है, जो औलिया इकराम का फैज है वो जारी और सारी रहे और तमाम लोग उससे फैजयाब होते रहें. माहिम से हमारी पूरी माहिम की कमेटी के लोग आए हैं. यहाँ पर चादर पेश की गई हजरत की बारगाह में. काफ़ी नस्बत है इनसे, हम इस सिलसिले से वाबस्ता हैं. मैं इस सिलसिले का हूँ तो मैं इनसे वाबस्ता हूँ. हमारा फर्ज है, हम श्रद्धा लेके यहाँ पर आए. हमारे सारे दोस्तों की जो दरबार है जहाँ पर फैज आम बटता है तो फैज लेने आए. जालना हूँ सुयोग खर्डेकर सह गोपाल त्रिवेदी, MCN न्यूज जालना.